वैल्यू होती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है व्हेन दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल कब है? रेस्ट पे है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जब पार्टिकल चलना स्टार्ट कर दे, पार्टिकल मोशन में आ जाए, तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, करेक्ट। तो ये काइनेटिक, स्टैटिक, लिमिटिंग, इन सारे टर्म्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ओके तो अभी देखिए ध्यान से, तो यहाँ से आपके पास कोई ब्लॉक है और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.3 और यहाँ पे आपके पास म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.2। ओके तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका एफबीडी बना के आप क्या कर सकते हो, इसका आप नॉर्मल निकाल सकते हो और आप फ्रिक्शन की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं म्यू एस इंटू, करेक्ट। ओके नाउ देखिए ध्यान से, वाई रिलेटिव मोशन, बिकॉज मोशन टर्म जो होता है ना आपका, वो एब्सोल्यूट मोशन टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो कोई भी मोशन होता है हम रिलेटिव मोशन होता है, करेक्ट। मोशन चैप्टर आपने जब पढ़ा होगा पहले, फर्स्ट फर्स्ट जब वन डी मोशन जब पढ़ाया गया था आपको जून जुलाई में, तो पहली बात आपको एकदम सीधे सीधे बताई गई थी कि मोशन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई टर्म ऐसा नहीं होता। सारे मोशन क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव होते हैं। ओके तो जब भी आपका जो मोशन हो रहा है वहां पे आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। ओके आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलिए आगे, तो मैं आपको जस्ट एक बार रिपीट रिवीजन कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू है ना, अभी आपने ये बात मैंने आपको बताई थी कि आपने यहाँ पे कुछ भी फोर्स लगाया, तो जब तक ये फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स जब तक आपका लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा नहीं होगा तब तक आप इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेके लिमिटिंग तक वेरी करती है, जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वो वेरी करती है। तो ये सारा हमने आपको बता दिया, सीख लिया, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने काफी क्वेश्चन करे, क्वेश्चन किया और एक और बात देखी हमने कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। इसके बीच में हमने ग्राफ भी बना के देखा, ग्राफ बना के देखा तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करती जाती है और एक पॉइंट पे लिमिटिंग आता है, ग्राफ ब्रेक हो जाता है और फिर उसके आगे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है जो कि क्या होता है, कांस्टेंट। ओके और एक और हमने टॉपिक देखा जिसको हमने बोला एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर। कोई बच्चा डेफिनेशन बताएगा व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, लिख के फटाफट। यस लिखिए, कौन बताएगा डेफिनेशन, व्हाट वाज एंगल ऑफ रिपोज, फास्ट फास्ट, काफी अच्छे से बताया था व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। यस 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 व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, कौन बताएगा? व्हेन मोशन जस्ट स्टार्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट, यस सो वो मैक्सिमम एंगल जहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाए आपका रेस्ट पे रुका रहे, है ना, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। यस ये है करेक्ट आंसर। तो जो मैक्सिमम एंगल जहां पे क्या हो जाए आपका जो ब्लॉक आपने रखा है वो कहां पे, वही रेस्ट पे हो, तो वो एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल कितना है, मान लीजिए ये एंगल जो आपका थीटा है दिस इज योर 59 डिग्री, है ना। अभी हमने क्या किया, इस थीटा को बढ़ा के 59.00001 डिग्री कर दिया। तो इनिशियली अभी यहाँ पे आपने कितना लिया था 59 डिग्री, अब इसको आपने बढ़ा के 59.00001 किया, तो आपने एंगल को क्या किया, जस्ट बढ़ा दिया। जस्ट बढ़ाने के आप हमने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लाइड कर जा रहा है, करेक्ट। और इस एंगल के जस्ट पहले हमने देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एज इट इज वहीं पे है, कहीं मूव नहीं कर रहा, तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। तो दिस इज थीटा मतलब एंगल एंड आर रिपोज, आर रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ रिपोज। ओके
तो तीनों केसेस बताए थे, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा आर तो क्या होगा, अगर थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर तो क्या होगा, इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर तो क्या होगा, है ना। तीनों कंडीशंस बता दिया आपको। सो नाउ आगे बढ़ेंगे हम एंड विल डू सम क्वेश्चंस। ओके, विल डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज फिर से बताएंगे, चलिए देखिए एंगल ऑफ रिपोज फिर से हम बता देते हैं। सो सपोज यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन मैंने अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना लिया। इस हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पे, इस हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पे देख ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रख लिया। अब इस हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन को ना थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहां से इनको मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, सपोज 10 डिग्री मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया। और ये देखा क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है क्या, सपोज अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, कुछ वेलोसिटी नहीं है, बट आप इस इंक्लाइन को ऐसे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, तो एक एंगल ऐसा आएगा जहां से आपका ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। मानते इस बात को वेदांत, इस चैट में लिखते जाइए मेरे साथ। अभी मैंने जो बताया वो समझ में आया क्या आपको, करेक्ट। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे उठा के आप इसको क्या कर दिया, आपने यहाँ पे इस एंगल को 60 कर दिया, तो देखा कि ये ब्लॉक क्या हो रहा है, मूव करने लगा है ना। इस एंगल को आपने जस्ट थोड़ा सा और कम किया, सपोज ये एंगल कितना हो गया 59 हो गया, तो देखा आपने कि 59 पे एकदम टिका हुआ है ना। फिर और प्रिसीजन लिया आपने, एंगल को बढ़ा के थोड़ा सा और 59.00001 किया, मतलब 59 से थोड़ा सा बढ़ाया, फिर भी आपने देखा कि एंगल क्या हो रहा है, फिर मूव कर जा रहा है ना। और प्रिसीजन बढ़ा के आपने 59.00001 किया, फिर भी देखा ये मूव कर जा रहा है, यानी कि ये 59 वो एंगल है जिस पे ये टिका रहेगा, इससे ऊपर कुछ भी एंगल आएगा वहां पे क्या होगा, वो स्लाइड कर जाएगा, करेक्ट। तो आपने इंक्लाइन पहले तो कितना था, थीटा इक्वल टू जीरो था, अब जीरो से आपने बढ़ा के क्या किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते 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 आप 59 पे आए, तो 59 तक ये ब्लॉक रुका है, 59 से आगे थोड़ा भी आपने ऊपर किया तो ये ब्लॉक क्या हुआ, वही ऐसे मूव कर गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस 59 इज द मैक्सिमम एंगल एट विच दिस ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, है ना। तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलिए क्वेश्चन करेंगे, एक सवाल आपके कॉन्फिडेंस के लिए। नाउ देखिए, यहां पे एंगल दिया रखा है आपको 30 डिग्री, दिस इज मास एम। ओके, मैंने यहां पे बताया आपको कि थीटा आर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। बताइए ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट, ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट, क्वेश्चन है कि जो आपका ऑब्जेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट्स ऑल। हाँ बताइए सभी लोग, इट विल मूव और नॉट, नॉट मूव, नॉट मूव, सभी लोग, सभी लोग, एवरीवन। एक दो तीन चार लोगों ने मुझे बताया, बाकी 15 लोगों का कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि उनको 15 लोगों का रिस्पांस नहीं आया मुझे, इसका मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, रेस्ट, बाकी बच्चे, यस। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं भाई, हम अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या है भाई, दिस एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। तो भी क्या होगा, इस एंगल को जब तक आप 45.0001 ना करें तब तक ये ऑब्जेक्ट इसी पे बना रहेगा। अब एंगल बढ़ा के आप इधर 31 कर दो, 32 कर दो, 35 कर दो, टिल 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 45 कर दो, तब तक ये मूव नहीं करेगा। जैसे 45 पॉइंट समथिंग करेंगे तो एंगल की क्या हो जाए, यहां से ये मूव कर जाए। ओके, तो आंसर है यहाँ पे इट विल नॉट मूव। ओके, नेक्स्ट, अगला सवाल, यहाँ पे ये एंगल दे रखा है अभी आपको 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू
37 degree. Okay, so calculate acceleration of the block. Acceleration of the block. Block acceleration find करें. Block यहाँ पे कुछ ऐसा रखा हुआ है और block और इस inclined plane के बीच में angle is mu and this mass is m. Okay, calculate acceleration of the block. Variable के terms में आएगा. सुनो अभी आप बताइए ब्लॉक मूव करेगा नहीं मूव करेगा. यस ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा. हाँ अभी मूव करेगा. ओके तो मूव करेगा तो क्या करेंगे वहां पे हम एक्सेलरेशन तो होगा एक्सेलरेट करेगा तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ. Yes, getting answer. पहली बात क्या करेंगे हमें हम एपीडी बनाएंगे ब्लॉक का. Yes, answer 4F upon 5 M. Acceleration की वैल्यू आ रही है. F stands for what? F क्या है यहाँ पे? चलिए भाई सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखते हैं हम. So, ये आपके पास ब्लॉक है. सो इसका हम एपीडी बनाएंगे तो एपीडी कुछ ऐसा आता है. तो देखिए जब भी यहाँ पे एपीडी आया ना ऐसा ये एंगल आपका थीटा है. सो यहाँ पे क्या होगा नीचे ऐसे एम जी लगता है ना. और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एंगल थीटा तो ये आता है आपका यहाँ पे एम जी कॉस थीटा. और यहाँ इधर की तरफ आएगा आपके पास mg sin थीटा. ओके और ऊपर की तरफ क्या लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. ऊपर की तरफ क्या लगेगा भाई नॉर्मल रिएक्शन. और कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे if something is missing here. हाँ कौन बताएगा भाई और FBD में कुछ तो मिसिंग हो रहा है क्या सर फ्रिक्शन. यस वेरी गुड. हाँ फ्रिक्शन इज मिसिंग. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे या पीछे. फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी आगे या पीछे किधर. फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर लगाऊं मैं. यस mg sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में. सो नाउ जस्ट अभी हमें डेफिनेशन देख के हमें कैलकुलेट करना है कि अगर ये आपका इंक्लाइन सरफेस है तो ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा. तो इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में ये आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई पीछे की तरफ लगेगा है ना. तो फ्रिक्शन इधर लगेगा. फ्रिक्शन लगेगा आपका इधर की तरफ. इट विल बी फ्रिक्शन. ओके सो नाउ अभी देखिए ब्लॉक का जो मूवमेंट हो रहा है किधर हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है. ये वाला जो डायरेक्शन है आपका जो ये y डायरेक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम में करेक्ट. सो नाउ वी कैन से हियर n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा.
ओके वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या है भाई, इक्विलिब्रियम है, तो मैं बोल सकता हूँ n इज इक्वल टू mg cos थीटा। नाउ ये वाली डायरेक्शन की बात करें, हम इस डायरेक्शन की बात करें, सो ब्लॉक के पास क्या है भाई, एक एक्सेलरेशन है और ब्लॉक नीचे की तरफ मूव हो रही है ना। ये हमने पता कर लिया कैसे, बिकॉज दिस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा r, एंगल ऑफ रिपोर्ट से क्या है भाई, एंगल ज्यादा है इसलिए ब्लॉक मूव करेगा। तो नाउ न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा भाई, ये इक्वेशन लिख लू मैं यहाँ पे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट की वैल्यू अभी कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। ओके बट फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। ओके सो नाउ एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू हमारे पास एम जी कॉस थीटा, सो हियर फ्रिक्शन विल बी म्यू इज इक्वल म्यू इनटू एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो नाउ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ मैं, नहीं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करने के लिए, सो हियर इट विल बी एम जी साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 45 डिग्री। नाउ माइनस आपके पास म्यू एम जी कॉस ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एम ए है ना। सो यहां से कॉमन निकाल लेते हैं हम, अब साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, और एम जी कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 - μ। देखिए ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखिए, mg mg यहाँ पे क्या है, कॉमन है, sin 45 cos 45 की वैल्यू 1/√2 कॉमन है, तो 1/√2 mg को कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचा 1 - μ इज इक्वल्स टू m into a। ओके m से m मैंने यहाँ पे क्या किया, कैंसिल किया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/√2 g into 1 - μ। ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, mu इज इक्वल्स टू tan थीटा आर, नो वो भी कर सकते हैं, दैट आल्सो वी कैन डू। tan थीटा क्यों करेंगे, अब यहाँ पे देखो ना इक्वेशन मैंने यहाँ पे जस्ट कॉमन लिया है, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन आया हमारे पास, देखिए ध्यान से फिर से ही पिछले वाले स्लाइड पे, सो ये आया हमारे पास mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma। बिकॉज अगर आप ब्लॉक को देखो तो नेट फोर्स क्या लग रहा है भाई नीचे, दैट विल बी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। सबको हमने सॉल्व किया, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 1/√2 जी पहले से यहाँ पे इंटू 1 - μ। यस कौस्तुभ, Yes, any doubts? Write your doubts. सभी लोग अपने doubts लिखें। Okay, one second. Okay. कितने लोगों को doubt है, कितने लोगों को समझ में आ गया? ओके एवरीवन सब लोग टाइप करें, आई विल रिपीट वंस मोर, नॉट एन इश्यू। हाँ ठीक है करते हैं। ओके फिर से देखिए यहाँ पे, सो देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, ये जो थीटा आर है ना, तो हमें पता है कि टेन ऑफ थीटा आर इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू होता है ना। सो हमने क्या बताया भाई, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी होती है, टेन ऑफ यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं थीटा इज इक्वल्स टू म्यू है ना, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे टेन 37 इज इक्वल्स टू म्यू, और टेन 37 की वैल्यू होती है 4/3 इक्वल्स टू म्यू है ना, कौस्तुभ यही बोल रहे हैं ना, तो कर सकते हैं सॉल्व, सिंप्लीफाई कर सकते हैं है ना, मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया, आप सिंप्लीफाई कर भी सकते हो। ओके वास्तु इज योर डाउट क्लियर, ये पूछ रहे हो ना आप, हाँ कर सकते हैं आप थीटा,
तो नाउ चलिए यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। नाउ अभी देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया इसका, तो पहले मैंने एपीडी बना लिया। फर्स्ट थिंग ये देखा कि यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा है एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 45 degrees, तो ये मूव करेगा। दूसरी बात यहाँ पे अभी हमने क्या कर लिया, इसका एपीडी बनाया, एपीडी बनाई ऊपर नॉर्मल, एमजी के दो कॉम्पोनेंट, एमजी कॉस थीटा, एमजी साइन थीटा, और ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ आगे मूव करेगा, तो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन किधर लगेगा, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ। सो यहाँ पे अभी देखिए एफनेट इज इक्वल्स टू एम ए, एफनेट इज इक्वल्स टू एम ए लिखा, तो एफनेट हमने यहाँ पे निकाल लिया एमजी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए। नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। तो नॉर्मल हमें पता है, नॉर्मल कितना है हमारे पास, सो नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा। ओके, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई यहाँ पे म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा। सो इसको अभी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया और उसके बाद ही हमारे आंसर आ गया ए इज इक्वल टू 1/√2 जी इंटू 1 - μ। यस खादर, यस एनी डाउट्स, एवरीवन सभी लोग लिख के बताए, कुछ डाउट हो तो लिखे। Everybody, ओके चलिए अगला सवाल करते हैं, कुछ और जनरल क्वेश्चंस करते हैं हम और देखते हैं उनमें कैसे हो पाता है, कैसे कर पाएंगे हम उन सारे सवालों। ओके सो नाउ एक और मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज बताया था, है ना, मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज बताया था। एक और इसमें एंगल आता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक और टॉपिक, नया टॉपिक है इसमें, दैट इज कॉल्ड, उसके साथ ही पढ़ाना चाहिए था बट समहाउ उस टाइम टाइम कम रहेगा तो उस टाइम स्किप कर गया मैं। तो नाउ विल सी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज जैसे हमने देखा वैसे ही एक बार यहाँ पे नया टर्म है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो चाहिए देखते हैं क्या है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। सो सपोज मान लीजिए क्या है हमारे पास, ये कोई बॉडी है, है ना, बॉडी है, बॉडी का मास क्या है m, और ये m मास की बॉडी किसी एक सरफेस के क्या है, कांटेक्ट में, m मास की बॉडी है ये किसी एक सरफेस के कांटेक्ट में है। ओके, अभी सरफेस के कांटेक्ट में है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है। ओके, और ऐसा हम मान लेते हैं कि सपोज इसकी अभी क्या है, टेंडेंसी है आगे बढ़ने की, है ना, अभी ये जस्ट अबाउट टू मूव है, करेक्ट, तो जस्ट अबाउट टू मूव है तो इसमें क्या होगा भाई, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन, है ना, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा भाई, ये नॉर्मल लग रहा होगा, करेक्ट। नाउ अभी आप ध्यान से देखिए, ये जो आप फ्रिक्शन लग रहा है और ये नॉर्मल लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या है, नॉर्मल और फ्रिक्शन, अगर सिर्फ आप किसको देखो भाई, नॉर्मल और फ्रिक्शन को, तो ये दोनों नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या हो रहा है भाई, किसी एक फिक्स एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, है ना, और ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का, तो ये एंगल है हमारा कितना भाई, 90 degrees। ओके, सो इन दोनों के बीच में अगर ये नॉर्मल है और ये फ्रिक्शन है तो यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे इन दोनों का कुछ ना कुछ एक रिजल्टेंट भी आएगा, क्या आएगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा। देखिए रिजल्टेंट कुछ ऐसा आता है, आई विल ड्रॉ इट वंस अगेन, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कुछ ऐसा है, करेक्ट। नाउ इसको बोलते हैं हम आर, ओके, और ये जो एंगल है इसको मैं बोलूंगा अभी यहाँ पे कितना, थीटा, इस एंगल को बोलेंगे हम थीटा। नाउ अब इस टैन थीटा को हम निकालते हैं, टैन ऑफ थीटा, करेक्ट। सो इस टैन थीटा को हम कैसे निकालेंगे, तो अभी देखिए ध्यान से, ये रहा आपके पास फ्रिक्शन, ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, और ये इन दोनों के बीच में दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिजल्टेंट। सो अब ये थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये वाला जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन को उठा के हम ऊपर लेके आते हैं, ऐसा, करेक्ट।
सो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया आपका थीटा। नाउ ये वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ रिजल्टेंट फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है भाई, यार आपका टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा, इट इज कमिंग आउट टू बी फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, करेक्ट। नाउ वी ऑल नो दैट फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एन। ओके, तो फ्रिक्शन की वैल्यू को अभी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हियर टेन ऑफ थीटा विल बी हाउ मच, इट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन। तो ये क्या हो गया भाई, ये एन से एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो टेन थीटा, टेन थीटा कितना आ गया हमारा, tan theta coming out to be mu, और ऐसा बोल सकते हैं कि theta is equals to tan inverse mu। तो कोई अभी आपसे angle of friction पूछे, अगर आपको coefficient पता है, आप directly बोल सकते हैं theta is equals to tan inverse mu। Yes, okay। तो इसको बोलेंगे हम theta, and ये tan inverse mu will give the angle of friction। Okay, लिख लीजिए इस बात को। तो लिखेंगे इसको हम, मैं इसको define करके लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए मैं dictate कर रहा हूँ आपको, लिखिए the angle formed by the resultant contact force and normal reaction is the angle of friction। ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एकदम अलग ही चीज है ना, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जस्ट इट्स अ थ्योरेटिकल टर्म जो कि रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के बीच में बनता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ओके, हाँ एक डाउट आया, व्हाई ही वी हैव नॉट टेकन थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ अभी देखो, ये थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, थीटा हमने विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिया है। ओके, यस, एनी डाउट्स? हाँ जी, हो गया everyone? हाँ लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस संडे आपका टेस्ट होगा मेंस पैटर्न का, फिर से 15-15 सवाल होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। सो सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिलेबस रहेगा भाई टिल टॉट। ओके, कुछ क्वेश्चन आपके प्रोजेक्टाइल से भी आ सकते हैं, कुछ रिलेटिव मोशन से भी आ सकते हैं ना, और ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इसके फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। ओके, तो आप अच्छे से रिविजन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक है, और ब्लॉक के पास इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट, इनिशियल वेलोसिटी है ब्लॉक के पास यू नॉट, और यहाँ पे ये ग्राउंड का सरफेस है, रफ सरफेस है, और ग्राउंड और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है म्यू, है ना, ग्राउंड और सरफेस के बीच में जो वैल्यू दे रखी है वो दैट इज
म्यू एंड अभी आपसे ही पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स. तो क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स. वो टाइम बताइए जिसके बाद ये ब्लॉक रुक जाए. यस, आंसर भी आपका कैसा आएगा, वेरिएबल भी ही आएगा. क्वेश्चन में जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी कैसे हैं, वेरिएबल में है, तो आपका आंसर भी कैसा आएगा, वेरिएबल ही आएगा. यस, चलिए एक मिनट आप लोग सॉल्व कीजिए. सुना देखिए, अभी यहाँ पे सवाल कुछ ऐसा है, सवाल ऐसा है कि आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि मान लीजिए अभी कोई ब्लॉक चल रहा है विद हैविंग सम वेलोसिटी. अभी अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन है तो क्या हो, तो रुक ही जाएगा, करेक्ट. अभी ब्लॉक आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्लॉक पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा है. उस ब्लॉक पे क्या किया जा रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लगाया जा रहा है, यानी फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको पीछे की तरफ खींच रहा है. ओके, तो फ्रिक्शन अगर पीछे की तरफ से खींचेगा तो ब्लॉक तो रुक ही जाएगा. आपको टाइम फाइंड करना है जब ब्लॉक रुक जाए. ओके, सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स. ओके, सवाल लिख लिया. कभी एक बच्चे को देखा लेट के पढ़ाई कर रहा है, सो के बिस्तर पे ऐसे ऐसे मोबाइल लेके. राज खुल जाएंगे ना वीडियो ऑन किया तो. स्कूल के टेस्ट कैसे होते हैं भाई, वीडियो ऑन करके ऑफ करके. हाँ जी, ऑफ करके आए हो, चीटिंग कर लेते हैं फिर तो. ऑनलाइन जनरेशन विल बी द वीकेस्ट जनरेशन. टी इज इक्वल टू एक आंसर आया माइनस यू एम अपॉन यू माइनस मैम यू. चलिए एक आंसर आया, एक बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड. लेकिन एकदम बेसिक से सोच के जाइए फिर सवाल के लिए. यस सर, ऑफलाइन बेस्ट है तो ऑफलाइन बेस्ट. ऑनलाइन के भी अपने फायदे हैं. जरूरत है खुद को बट डिसिप्लिन करने की, दैट्स ऑल. अभी ऑफलाइन क्लास में बैठ जाते हो, दिमाग की दरार रहता है, थोड़ा ना सबको समझ में आते सारे बच्चों को. चलिए आंसर बताइए, चलिए देखिए आप सॉल्व करेंगे सवाल को. सो नाउ सो अभी आप यहां पे तो पहली बात आप क्या करेंगे, इसका एबीडी बनाएंगे. देखो भाई, जहां भी कहती कभी भी किधर भी कोई फोर्स का आ जाए, है ना, यहाँ पे कुछ तो फोर्स का चक्कर है, फ्रिक्शन हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, तो वहां पे सबसे अच्छी बात क्या है, एबीडी बना लो. तो नीचे यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे एमजी लग रहा है, ऊपर लग रहा है यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन, और इधर पीछे की तरफ, इधर जो है पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू है डायरेक्ट में लिखता हूँ म्यू एमजी. ओके, और इधर ही आगे जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, यू नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी भाई, यू नॉट वेलोसिटी से. ओके, सो नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है क्या कुछ, यस yes, लग रहा है. सो दो डायरेक्शन में, एक तो यहाँ पे इस वर्टिकल डायरेक्शन में और एक आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो क्या है भाई, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये म्यू एम जी फोर्स लग रहा है ना. So, अगर मैं एफनेट की बात करूं तो एफनेट इज हाउ मच,
एफ नेट कितना है भाई, ये लग रहा है हमारे पास म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. ओके, एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया आपका यहाँ पे म्यू जी, है ना. नाउ ये एक्सेलरेशन किधर है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में. आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, जिधर फोर्स है भाई उधर ही क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन भी होगा. सो नाउ यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू जी, है ना. तो इस म्यूजी को क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे इक्वेशन में आप नेगेटिव लिख सकते हो. यहाँ मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया है, इस एक्सेलरेशन को आप यहाँ पे ऐसा नेगेटिव दिखा सकते हैं, क्योंकि ये अभी किधर लग रहा है भाई, पीछे की तरफ. ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू आगे कितनी, म्यूजी. ओके, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, एवरीवन एवरीवन सभी लोग यहाँ तक सबको समझ में आया. ओके नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. So, अभी एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास. अभी देखो, अभी आप जानते हो फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, है ना. सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, करेक्ट. सो अभी हमसे टाइम पूछा जा रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर क्या होगा हमारा, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी. नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, यू नॉट, और पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है कितना, म्यू जी. तो अभी कुछ देर के बाद, है ना, जब आप ये ब्लॉक जब यहाँ पे जब रुक जाएगा, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो. अब जाहिर सी बात यह है कि मान लो आप किसी हाईवे पे चल रहे हो, आपने क्या कर दिया, गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और ब्रेक लगा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा, भले आपके पास एक फॉरवर्ड वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन किधर है आपका, पीछे की तरफ, है ना, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है. थोड़ी देर बाद आप जाकर रुक ही जाएंगे, गाड़ी तो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो. तो v को पुट करेंगे हम जीरो इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यू की वैल्यू आपको दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है आपके पास यू नॉट. एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ म्यू जी इंटू टी. तो नाउ यहां से टी की वैल्यू सॉल्व करके हम निकाल लेंगे, तो यहां से एयर टी विल बी यू नॉट अपॉन म्यू जी. तो टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, टी की वैल्यू आ गई आपके पास यू नॉट अपॉन म्यू जी. ओके, तो टी इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन म्यू जी के बाद जाके ब्लॉक रुक जाएगा. ओके, इसी में एक और सवाल इसी में आप ऐड कर सकते हो. दूसरा सवाल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए इतनी देर के लिए. तो चलो इसको भाई आप होमवर्क में करके लाइए इस सवाल को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. हाँ देखिए भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास, माइनस म्यू जी आ गया, तो आप इसको सॉल्व करेंगे. अभी यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस एट, है ना. तो मैंने आपको बताया, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी को ये फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. तो आगे जाते 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 क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, है ना. तो इसलिए इस फॉर्मूले में वी को जीरो पुट किया, यू की वैल्यू यू नॉट पुट किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ म्यू जी, टी को टी पुट किया और सॉल्व करके आंसर आ गया हमारे पास टी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू जी. हाँ सोहेल, क्लियर है. चलिए अगला सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं हम. एक सवाल करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का. क्वेश्चन तो इसे बहुत 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 बनेंगे, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ऐसा है आपका, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दे रखा है m इज इक्वल्स टू रूट थ्री के जी. ब्लॉक का मास दे रखा है m इज इक्वल टू रूट थ्री के जी एंड एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ये. यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम इस पे, एफ फोर्स वी आर अप्लाइंग हियर, एफ फोर्स एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 60 डिग्री. ओके, और ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो म्यू है उसकी वैल्यू है 1/2√3. ओके,
नाउ अभी आपसे पूछा गया आपसे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक डजंट मूव. Such that block doesn't move. चल सॉल्व कीजिए. सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे सही सही करेक्टली. एफबीडी को हम सही सही बनाएंगे. एफबीडी करेक्टली बनाएंगे. एफबीडी बनाया वादा काम हो जाएगा. तो चलो मैं एफबीडी बनाता हूँ आपके साथ साथ. तो देखिए जब भी कभी ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा हो ना तो क्या करो भाई यहाँ पे इसको पॉइंट मास ऐसे बना लीजिए और इस फोर्स को आप ऐसे बना लो नीचे ऐसा. ये हो गया आपका एफ और एक यहाँ से एक वर्टिकल लाइन एंड ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया आपका 60 है ना. अब यहाँ पे ये इधर ऐसे दिखा रहा है तो इसी को हमने क्या कर दिया ऐसा एक्सटेंड कर दिया और ये एंगल आपका हो गया यहाँ पे 60. ओके तो नाउ नीचे लग रहा होगा आपका आपका यहाँ पे एम जी एंड इसके भी दो कंपोनेंट्स करेंगे तो इधर आएगा आपके पास एक एफ कॉस 60 और नीचे की तरफ आएगा एक फोर्स, एक और कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ दैट विल बी एफ साइन 60. ओके और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा आपका ये नॉर्मल रेंज. बस ये क्या है पूरा का पूरा आपका फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम आपका इतना निकल गया ऊपर नॉर्मल नीचे एम जी एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा दैट्स ऑल. ओके और कुछ छोड़ गया इसमें? हाँ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हमने छोड़ दिया तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा. अभी देखिए इसकी टेंडेंसी किधर है, ये ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखो तो ये इसकी टेंडेंसी किधर है भाई, आगे जाने की टेंडेंसी. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे, पीछे की तरफ. आसान करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए सवाल देखने में आसान हो जाए इसलिए ऊपर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. यहां भी आप कर सकते हो, देखो यहां भी आप करो तो इसमें क्या आएगा, ये फोटो में देखो आप डिग्री की डायरेक्शन चेंज नहीं करें तो क्या होगा ऐसे देखो. सो अभी देखिए यहाँ पे तो एफ कॉस थीटा तो किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा और एफ साइन थीटा किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा है ना. तो इसी चीज को देखो अभी यहाँ पे एफ जो एफ साइन थीटा है उसको मैंने यहाँ लिख लिया, जो एफ कॉस थीटा है उसको मैंने इधर लिख लिया, बात वही है. ओके सो नाउ अभी ब्लॉक इफ द ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम है ना, ये देख के हमें लग रहा है अच्छे से कि ब्लॉक क्या है वर्टिकल इक्विलिब्रियम है. ओके सो तो अभी यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाती है हमें देखने से, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा है ना. तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू. सो इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू
तो चलिए मैं अगले स्लाइड पे मूव करता हूँ, लिख लीजिए जिसको जो लिखना है। नाउ सो अभी आप देखो फोटो बनाना ही पड़ेगा, फोटो बनाता हूँ फिर से। ये लग रहा है आपका एफ कॉस 60, नीचे लग रहा है आपका एम जी प्लस एफ साइन 60, एफ साइन 60, और इधर की तरफ क्या लग रहा है आपका यहाँ पे, दिस इज फ्रिक्शन, और ऊपर की तरफ लग रहा है आपका नॉर्मल। नाउ अभी तो ये ब्लॉक पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ना, अभी ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऑफकोर्स ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, इस वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव करने वाला नहीं है। सो इसका मतलब ये हो गया अभी यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन 60। ओके सो नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, अगर ये ब्लॉक को मूव नहीं करना है, ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक डजंट मूव, है ना। आप वो वैल्यू बताइए कि ब्लॉक क्या हो भाई, मूव ना करे, करेक्ट। देखिए ध्यान से, हाँ आप लोग बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए, सो ब्लॉक मूव ना करे, करेक्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रही है ना यहाँ पे, अभी तो एक दो वैल्यू हो सकती है, एक तो पूछा गया आप, एक ये भी पूछा जा सकता है कि एफ की आप मिनिमम वैल्यू बताओ, अरे तो मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, बट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एफ की आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए सो दैट ब्लॉक डजंट मूव, करेक्ट। सो नाउ अगर आप देखो ध्यान से, अगर इसको मैं इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर दूं, इसको मैं अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन की ये दोनों फोर्सेस को मैं क्या करूं बराबर कर दूं, तो भी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी कि ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है बट मूव नहीं कर रहा है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सबसे इंपॉर्टेंट क्रैक है इस सवाल में, अगर इन दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की दोनों फोर्सेस को आपने क्या कर दिया, जस्ट बराबर किया, तो क्या मैक्सिमम फोर्स एफ की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी? सभी लोग चैट में लिख के बताइए, है ना। ऐसा भी इसलिए किया गया, क्यों ऐसा किया गया, बिकॉज अभी क्या है यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, है ना, इस एफ की वैल्यू क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है। सो मैंने क्या किया, मैंने आपसे, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, सभी लोग देखिए, ये एफबीडी है आपके पास, अभी सवाल में ये पूछा जा रहा है कि आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बताइए, ये जो आपके पास यहाँ जो आपको एफ दिख रहा है, ये जो आपको एफ दिख रहा है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि इस एफ की आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए। चलो छोड़ो मैक्सिमम मिनिमम आप बोल जाओ, जस्ट आपसे ये पूछा गया कि आप क्या करो भाई, एफ को ऐसे लगाओ कि ब्लॉक मूव ना करे, है ना, ब्लॉक मूव ना करे, तो आप क्या करो भाई, थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दो उस पे, है ना, थोड़ा सा फोर्स आपने लगा के छोड़ दिया तो भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। बट वी नो दैट कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होता है भाई, इधर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। समझ रहे सब लोग? आप सब लोग समझ रहे हैं भाई, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। सो इसलिए अभी हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे जो आपका जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस फोर्स को मैं क्या करता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर देता हूँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ब्लॉक में मूव नहीं करेगा। क्योंकि हमने पिछले सवालों में ये पढ़ रखा है कि हमारा जो एफ अप्लाइड होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू से, तभी ब्लॉक मूव करेगा। अगर बराबर है तो जस्ट मूव वाली कंडीशन होगी बट वो मूव नहीं होगा। ओके सो नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एल इज इक्वल्स टू एफ कॉस 60 डिग्री, है ना। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी होगी, सिंपली इट विल बी हेयर म्यू इंटू एन। देखिए दे भाई ध्यान से, हर बार जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है एन इज इक्वल टू एम जी नहीं होता, पिछले क्लासेस में ही हमने क्वेश्चन कर रखे हैं कि n is equal to mg नहीं होता। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो तो नॉर्मल की वैल्यू आई आ रही है आपके पास mg plus f sin 60। सो यहाँ पे क्या होगा भाई, f की वैल्यू आती है हमारे पास mu 1, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे mu into n, n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू आपके पास mg plus f sin 60, ओके is equal to हो गया आपके पास f cos 60 डिग्री। ओके नाउ इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सब कुछ यहाँ पे वैल्यूज डाल के, म्यू की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है, तो आपको सॉल्व करके यहाँ पे एफ की वैल्यू आएगी 20 न्यूटन। ओके यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आती है 20 न्यूटन। क्या आपने सॉल्व किया, आ रही है एफ की वैल्यू 20 न्यूटन?
ओके चलो इस आ रही है। ओके ओके तो भाई चलिए आप मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक समझने में एनी डाउट? सभी लोग टाइप करें। ईच एंड एवरी वन ओके तो चलिए अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं, छोड़ना नहीं है। सो अभी देखिए ध्यान से ये आ जाएगा आपके पास एफ कॉस 60, एफ कॉस 60, देखिए नॉर्मल के वैल्यू में पुट कर रहा हूँ तो यह आएगा 1/2 √3, कॉमन निकाल लिया मैंने, बच गया यहाँ पे इससे 10 √3 प्लस एफ साइन 60। ओके तो अभी इसको मैं और सॉल्व किया, ये आएगा मेरे पास f cos 60 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके 5 प्लस ये आ गया आपके पास भाई f/4। ओके तो फिर अभी यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे f cos 60 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास f/2। ओके तो अभी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे f/2 इज इक्वल टू 5 प्लस f/4, तो ये आएगा आपके पास f/2 − f/4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आती है आपके पास 20 न्यूट। ओके तो इक्वेशन को आप लिख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए और एक बार आप जस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके मैंने यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू यहाँ से, म्यू कॉमन है दोनों में, सो यहाँ पे एम की वैल्यू पुट करी, ओके आई होप सो समझ में आया सबको। ओके सो टिल दिस पॉइंट एनी डाउट अब तक चैप्टर में आपने जितना भी कुछ पढ़ा, कुछ भी डाउट है आपको? सभी लोग अपना रिस्पॉन्स लिखें। म्यू जी क्यों लिया? ओके एक डाउट आया देखते हैं। म्यू जी इस स्लाइड पे, हाँ ये म्यू एम जी क्या? हाँ देखिए साक्षी आप बताइए इस स्लाइड में, एग्जिस्टिंग स्लाइड में म्यू जी क्यों लिया? मूवेबल पुलिंग क्वेश्चन करेंगे तो रख करेंगे। हाँ साक्षी बताइए बताइए म्यू जी, ये इस लाइन में बता रहे हो, ये वाली लाइन में डाउट है, यहाँ पे मैंने म्यू जी क्यों लिखा? फास्ट फास्ट बताइए इसके पहले। हाँ इस स्लाइड में यस बताइए साक्षी इसके और पहले। ओके यहाँ पे ओके नाउ देखिए ध्यान से यहाँ पे ओ देखिए 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 सभी लोग देखिए ध्यान से। हाँ देखिए म्यूजिक क्यों लिया ना, एक्सेलरेशन। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी पे नेट फोर्स कौन सा लग रहा है? नेट फोर्स अभी देखिए तो पीछे की तरफ लग रहा है ना, ये कंडीशन अभी ऐसी कंडीशन हो गई कि आप गाड़ी चला रहे थे है ना, गाड़ी चला रहे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजन का फोर्स इंटरनल फोर्स लग रहा है और गाड़ी ऐसे आगे चल रही है। हमने क्या किया गाड़ी को एक बार 80 किलोमीटर पर आवर पे ऐसे ले जाके हमने क्या किया गाड़ी को ऐसे इंजन उसका ऑफ कर दिया,
इंजन ऑफ हो गया फिर भी क्या होता है, गाड़ी आगे मूव करती रहती है। तो उस टाइम पे इंजन का कुछ भी तो फोर्स नहीं लग रहा, आगे की डायरेक्शन में तो कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा। अब ये जो वेलोसिटी, जो एग्जिस्टिंग वेलोसिटी है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। सो अभी इस कार पे सिर्फ एक ही फोर्स अभी लग रहा है पीछे की तरफ, वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो हमने इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाया, सेकंड लॉ, दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे, क्या नेट लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स लग रहा है आपका यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, म्यू इंटू एन। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है यहाँ पे एम जी के बराबर। तो नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पे म्यू एम जी, इसको हमने एम ए के बराबर किया, एम से एम कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू जी। और किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, तो इसलिए इक्वेशन में हम इसको माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। ओके, बताइए डाउट्स बताइए। ओके, रिलेटिव मोशन में, तो इसका इलाज कभी और करेंगे। हाँ सोहेल, और बताइए साक्षी, इट्स क्लियर? हाँ बताओ सोहेल, सभी लोग डाउट पूछ रहे हैं तो आप रिप्लाई भी करो, क्या समझ में आया नहीं समझ में आया। रुक जाओ भाई साक्षी, यू रिप्लाई फर्स्ट, इट्स क्लियर? ओह एम जी साइन थीटा क्यों नहीं लिया, एम जी साइन थीटा क्यों लेंगे हम, एम जी साइन थीटा हम लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। जब भी आपका प्लेन इंक्लाइंड होता है तब वहां पे एम जी के कंपोनेंट्स आते हैं। देखिए यहां पे ध्यान से, एम जी साइन थीटा तो कब लिया था हमने, इधर की तरफ लिया था। हाँ एम जी साइन थीटा कहां लेंगे हम, एम जी साइन थीटा तो यहां लेंगे ना, बिकॉज दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, यहां पे एंगल थीटा है, यहां पे मास है नीचे, इधर आ रहा है आपका यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, इधर आ रहा है आपका यहाँ पे एम जी साइन थीटा। तो देखिए इस एफबीडी में, इंक्लाइंड प्लेन के एफबीडी में अभी नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल आपका एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर यहाँ पे आप फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगा यहाँ पे म्यू इनटू एन, है ना। अब यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर है, यहाँ पे नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो इस सवाल में नॉर्मल की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे एम जी कॉस थीटा पुट करेंगे, करेक्ट। देखिए हर जगह फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू एन होती है, बट आपको नॉर्मल ढूंढ के निकालना है कि नॉर्मल कितना आ रहा है वहां पे। तो इस सवाल में नॉर्मल आ रहा है आपका एम जी कॉस थीटा। ओके, बाहर देखिए और सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, और सवाल हमने देखे तो यहाँ पे एक और सवाल लिया था जिसमें, हाँ यहाँ देखिए अभी यहाँ पे नॉर्मल कितना आ रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा आ रहा है। सिमिलरली अभी हमने यहाँ पे जब नॉर्मल देखा तो नॉर्मल की वैल्यू क्या है, सिर्फ एम जी के बराबर है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, म्यू इनटू एन, तो एन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एम जी। तो दैट्स व्हाई एफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, म्यू इनटू एम जी। ओके अभी बताइए, ओके क्लियर? और कुछ भी डाउट है तो आप थोड़ी देर बाद और पूछो। हाँ रिलेटिव मोशन की क्लास कब लगाएंगे, है ना। तो रिलेटिव मोशन की क्लास विल क्रिएट अ पोल, कितने बच्चों को रिलेटिव मोशन में डाउट है, एंड विल प्लान, है ना, अगले वीक से विल प्लान सम रिवीजन सेशंस। ओके एंड मे बी थ्रू क्वेश्चंस एंड ऑल करेंगे, रिवीजन करेंगे हम। यू जीरो क्यों लिया, अच्छा एक और डाउट है यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे यू जीरो क्यों लिया, यू जीरो नहीं लिया भाई मैंने, यहाँ पे वी जीरो लिया है, फाइनल वेलोसिटी। तो मैं तो आपको यही समझा रहा हूँ ना, क्या समझा रहा हूँ मैं तब से, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये गाड़ी चल रही है ना। अभी इसमें आपने कुछ भी यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहा, इंजन ऑफ कर दिया है, तो गाड़ी आगे जाकर रुक जाएगी ना। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यू है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद, एक घंटे आधे घंटे के बाद क्या होगा, गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ भी इंजन नहीं इसमें, सॉरी पेट्रोल खत्म हो गया है, कुछ ड्राइवर नहीं है,
एकदम सीधी रोड है तो क्या होगा, कितनी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। हाँ जी, क्लियर है? हाँ भाई, फ्रिक्शन है तभी तो जीरो होगा ये। कभी गाड़ी में बैठे हो, बाइक चलाया है, साइकिल चलाया है आपने, ठीक है, अभी रोड पे जाओ, साइकिल लेके जाओ और थोड़ी देर पैडल मारो और फिर पैडल मारना छोड़ दो, देखना गाड़ी रुकती है नहीं रुकती है आपकी साइकिल। ओके, एनी मोर डाउट्स? यस यस, एनी मोर डाउट्स? यस, नो डाउट्स? ओके, थैंक यू वेरी मच, गिव योर अटेंडेंस। अटेंडेंस अटेंडेंस, Mm-hmm.